यात्री रेल सुविधाओं के लिए भानुप्रतापपुर अंतागढ़ क्षेत्र में लगातार हो रहा प्रदर्शन। पहले दिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं यात्री पहुंचे रेलवे स्टेशनों पर और जाकर किया विरोध प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजा गया ज्ञापन। दूसरे दिन अंतागढ़ एवं भानुप्रतापपुर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन। इस क्षेत्र के व्यापारी नागरिक कर रहे हैं रेल सुविधाओं में विस्तार की मांग। पिछले दिनों बिलासपुर महाप्रबंधक के भानुप्रतापपुर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान नकारात्मक जवाब से नाराज हैं क्षेत्र के यात्री नागरिक जनप्रतिनिधिगण। हम लोगों को जो ट्रेन की सुविधा दी गई है तो उसका पूरा फायदा यहाँ नहीं मिल पा रहा है। हमें रात को वापस आने के लिए रायपुर से कोई ट्रेन नहीं है, जाते हैं ट्रेन में पर वापस आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, दिल्ली में आके रुक जाते हैं ट्रेन। तो सबसे पहले तो रात्रिकालीन ट्रेन की सेवा मिले ताकि व्यापारी वर्ग या नागरिकगण जो भी राजधानी जाते हैं अपना काम निपटा के रात तक आ सकते हैं। दूसरा, ये पिछड़ा क्षेत्र है तो यहाँ से ट्रेनें चालू की जाएँ, नागपुर है, बिलासपुर है, इधर के लिए। और तीसरी ये चीज़ है कि आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से नगर, यहीं से दिख रहा है, देख लीजिए। तो एक शॉर्टकट रास्ते के लिए हम लोग शुरू से मांग करते आए हैं पर प्रशासन शासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है। और अभी 3 किलोमीटर घूम के गली कुचे में से होके आना पड़ता है यहाँ पे, कभी भी दुर्घटना बच्चों की साथ में हो सकती है। तो इस पर ध्यान करते हुए शॉर्टकट रास्ता भी बनाना चाहिए। नगर बंद है, रेलवे की मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल भानुप्रतापपुर में जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर कल हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। हम लोगों का ये मांग यह है कि जो ट्रेन दिल्ली राजरा में जो रात्रि में जो रुकती है वह कम से कम भानुप्रतापपुर से होते हुए अंतागढ़ में रुके, ताकि जो रायपुर से शाम को जो यात्री भटकते हैं उनको एक सहारा मिले। मैं रेलवे प्रशासन से और केंद्र सरकार से अपने समस्त क्षेत्रवासियों के तरफ से मैं यह मांग करता हूं कि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि क्षेत्रवासियों को एक लाभ मिले। धन्यवाद। हमारा धरना प्रदर्शन पहली मांग हमारी थी कि जो ट्रेन रात शाम को आके दिल्ली राजधानी में रुकती है वो ट्रेन को भानुप्रतापपुर तक नियमित किया जाए और यदि संभव हो तो अंतागढ़ भी ले जाया जाए, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारी मांग, हमको अप्रोच रोड भानुप्रतापपुर से रेलवे स्टेशन तक काफ़ी दूर पड़ता है, यदि वो ओवरब्रिज के किनारे से अप्रोच रोड बना दिया जाए तो जनता को काफ़ी आवागमन की सुविधाएँ रेलवे स्टेशन तक हो जाएंगी। ये प्रमुख मांगें हैं। पूर्व में दिल्ली राजहरा रेलवे वालों की मांग बिलासपुर तक ट्रेन चलाने की और विशाखापट्टनम तक ट्रेन चलाने की थी, हम लोग भी उसका समर्थन। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रेलवे प्रशासन सेवा देना होगा, देना होगा, देना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सेवा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सेवा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सेवा देना होगा, देना होगा, देना होगा, हमारी मांगे पूरी करो। निश्चित ही इस बात का हमें दुख है, ये तो कई वर्षों के बाद हमें यहाँ ट्रेन सुविधा मिली है, लेकिन मिलने के बाद भी आज यहाँ की जो सुदूर अंचल के हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं और अन्य समाज के लोग रहते हैं, इन्होंने लगातार हमेशा ये मांग करता रहा कि आपने ले जाके सुविधा दी है, उसके बाद भी एक ही ट्रेन आपने दे रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ के जो सेंट्रल के जो रेलवे विभाग के अधिकारी कर्मचारी है वो हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग के साथ सही ढंग से बात कर नहीं पा रहे हैं, और इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार इस सुदूर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जो पुरानी मांग है उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं हमें ठगा जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जायज मांग है,
यहाँ के आम नागरिक किसानों ने इन्हीं अपेक्षाओं को लेकर के अपने पूर्वजों की जमीन को भी रेल सुविधा होगा करके यहाँ के लोगों के लिए आने जाने में हमारी समय की बचत, आर्थिक बचत होगा करके ही सब जमीन जायदाद को दिए हैं। उसके बाद भी ना सरकार ना डिपार्टमेंट रेलवे विभाग की जो तानाशाही रवैया है, जो मैं उस दिन भी देख रहा था उनके व्हाट्सएप में, कि जिस ढंग से यहाँ की जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय हमारे व्यवसायिक सभी बिजनेस अपने बंद करके हमेशा इस लड़ाई के लिए साथ दे रहे हैं, उसमें हम पूरे क्षेत्रवासी पूरे सर्वप्रथम मैं आपके समाचार चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्थान दिया। अरे क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि सायंकालीन जो ट्रेन है वहां पर दिल्ली राजधानी से भानु प्रतापपुर आए, एवं यहां पे जो रेलवे में मिलने वाली सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जाए। यहां से नागपुर के लिए, यहां से बिलासपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए, एवं और कई छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर के विगत कई वर्षों से क्षेत्र के रेलवे उपभोक्ताओं द्वारा, क्षेत्र के आम जनता द्वारा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, किंतु केंद्र सरकार, रेलवे मिनिस्टर और स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा स्थानीय आम जनता की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज इस सब बातों से उद्वेलित होकर क्षेत्र के रेल उपभोक्ताओं द्वारा, क्षेत्र की आम जनता के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, और मेरा आपके समाचार चैनल के माध्यम से रेलवे मिनिस्टर माननीय अश्वनी वैष्णव जी से अनुरोध है और रेलवे के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि क्षेत्र की जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं उनको पूरा करें, अन्यथा क्षेत्र की जनता द्वारा अपने आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि यहाँ क्या केवल मात्र पटरी देखने के लिए नहीं है, ये दिखावा और शोपीस ना रहे, यहाँ की लोगों को वाजिब में यहाँ के लिए अगर सोच के रेलवे पहुँची है तो यहाँ के जनता को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। पर अगर शाम सुबह की व्यवस्था, रेलवे आने जाने की व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ पर व्यापार और रोजगार के क्षेत्र भी बढ़ेंगे और लोग ज़्यादा उत्साहित होंगे। यही मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं और रेलवे प्रशासन से कि इस क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करना चाहिए। जो रात्रिकालीन रेल सेवा है जो दिल्ली राजा तक रुकती है, यहां आके यहां अंतागढ़ तक रुके, और इसके अलावा पहुंच, आसान पहुंच मार्ग की आवश्यकता है, बाईपास यहाँ पर भानु प्रतापपुर में होना चाहिए। वर्तमान में जो माइनिंग क्षेत्र होने के कारण भारी वाहनों का बहुत दबाव है, उन सब बातों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की मांग निरंतर चलते आ रही है, उसमें प्रक्रिया राज्य सरकार चालू भी की है, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दबाव है और आवश्यकताएं भी हैं, उस हिसाब से जनता की मांग है, आवाज़ है, उनकी आवाज़ को हम नागरिक एकता मंच के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। इसमें सभी दलों का समर्थन है, व्यापारी बंधुओं का समर्थन है, और जहां जनता की मांग हो वहां पर हम सब एक हैं। और रही रेलवे की बात, जिस बात को लेकर ये आंदोलन कल भी किया गया था, इसके पूर्व भी मांग किया गया था, आज नगर बंद का आह्वान किया गया है, तो जल्द से जल्द रेलवे प्रबंधन को भी मान जाना चाहिए। रेल मंत्री तक को पत्र लिखा गया विधायक के द्वारा, सांसद महोदय ने भी लिखा, चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो परिस्थितियां यहां उत्पन्न हो रही हैं, जनता में जिस प्रकार से जल्दी मांग पूरे नहीं होने के कारण आक्रोश व्याप्त हो रहा है, तो हम सबका मानना है कि
केंद्र सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, रेल मंत्रालय को सुनवाई करनी चाहिए और मांग को लेकर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है आंदोलन का, उस ओर हम यहाँ पर नागरिक एकता मंच के बैनर में अग्रसर होंगे। तो मेरा माननीय रेल मंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मांग को पूरा करें। कहाँ कमियाँ हुई है, क्या मांग है? आपको मालूम है हमारे क्षेत्र की जनता भोली भाली है, आदिवासी जनता हमारे छत्तीसगढ़िया थोड़ी भोली भाली, इंतजार करता है, सब्र करता है। और जिस दिन हमारा इंतजार और सब्र टूटेगा, ये रेलवे विभाग सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और उनको बाध्य करेंगे कि यात्रा, रेल यात्रा बड़ा सुलभ हो क्षेत्र की जनता के लिए।